हेलो फ्रेंड्स, होप सब ठीक होंगे। आज जैक फ्रूट पायसम बन रहा है, इसलिए हमने ब्रोकन व्हीट को थोड़े से घी में रोस्ट करना है जब तक उसका कलर चेंज ना हो जाए। उसके बाद हमें उसको कुकर में पानी डालकर दो विसल लगानी है। साइड में हमें जैक फ्रूट को भी गैस पर 2 सेकंड के लिए ये फ्राई करना है घी डालकर, ज़्यादा देर नहीं। ब्रोकन व्हीट पकने के बाद उसमें हम जैगरी ऐड करेंगे। आपको पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ब्रोकन व्हीट कुक करने के टाइम में हमने जो पानी ऐड किया था उसी में जैगरी मेल्ट हो जाएगा। जैगरी मेल्ट होने तक उसे पकाएं। उसके बाद आपने जो ड्राई फ्रूट्स है फ्राई किए हुए उसके मिक्स कर दें। उसे भी थोड़े पकाएं। जैक फ्रूट पायसम में हमने कोकोनट मिल्क यूज़ किया है। कोकोनट मिल्क को आप ज़्यादा देर तक ना पकाएं, अच्छे से मिक्स कर दें और एक बॉईल आने के बाद ही जैक फ्रूट के पीसेस जो आपने ऑलरेडी फ्राई कर दिए थे उसे ठंडा होने के बाद इसमें मिक्स कर दीजिए। जैक फ्रूट के पीसेस मिक्स करने के बाद उसे 1 सेकंड के लिए बॉईल करें और उसमें हम इलायची पाउडर डाल दें। लीजिए, आपका पायसम रेडी है। होप आपको भी ये अच्छा लगे। प्लीज़ शेयर करें।